वेलकम मित्रों, रिफाइनरी शटडाउन वर्क्स वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग रिबॉयलर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। जैसे व्हाट आर रिबॉयलर्स, रिबॉयलर क्या है, टाइप्स ऑफ रिबॉयलर, रिबॉयलर के प्रकार, यूज ऑफ रिबॉयलर, रिबॉयलर के उपयोग, फंक्शन ऑफ रिबॉयलर, रिबॉयलर के काम। व्हाट आर रिबॉयलर, रिबॉयलर आर हीट एक्सचेंजर टिपिकली यूज टू प्रोवाइड हीट टू द बॉटम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्टिलेशन कॉलम। द बॉयल द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए डिस्टिलेशन कॉलम टू जनरेट वेपर्स विच आर रिटर्न टू द कॉलम टू ड्राइव द डिस्टिलेशन सेपरेशन। मित्रों, रिबॉयलर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर ही होता है। यह डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम साइड के लिक्विड को गर्म करके वेपर बनाता है। यह वेपर फिर कॉलम में वापस चला जाता है जहां डिस्टिलेशन प्रक्रिया होती रहती है। टाइप्स ऑफ रिबॉयलर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिबॉयलर, केटल टाइप और थर्मोसाइफन टाइप। तो व्हाट इज केटल टाइप रिबॉयलर? द केटल रिबॉयलर्स टाइप हीट एक्सचेंजर्स आर हीट एक्सचेंजेज टिपिकली यूज टू प्रोवाइड हीट टू द बॉटम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्टिलेशन कॉलम। दे बॉयल द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए डिस्टिलेशन कॉलम टू जनरेट वेपर विच आर रिटर्न टू द कॉलम टू ड्राइव द डिस्टिलेशन ऑपरेशन। अर्थात यह एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है। यह डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम साइड के लिक्विड को गर्म करके वेपर बनाता है। यह वेपर फिर कॉलम में वापस चला जाता है जहां डिस्टिलेशन प्रक्रिया होती रहती है। यह केटल टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। अब देखते हैं व्हाट इज थर्मोसाइफन रिबॉयलर। दिस रिबॉयलर वर्क ऑन सिंपल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर फॉर रिसर्कुलेशन बिटवीन द आउटलेट एंड इनलेट। वी डोंट नीड एन एक्सटर्नल पंप टू इंजेक्ट द वेपर इनटू द कॉलम। बेनिफिट्स ऑफ दिस थर्मोसाइफन रिबॉयलर मोस्ट इकोनॉमिकली बिकॉज नो पंप इज रिक्वायर्ड। अर्थात थर्मोसाइफन रिबॉयलर थर्मोसाइफन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके इनलेट आउटलेट के बीच वेपर और लिक्विड का रिसर्कुलेशन ऑटोमेटिक होता है। इसमें किसी प्रकार की पंप की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं मित्रों, व्हाट इज साइफन इफेक्ट, साइफन इफेक्ट क्या है। तो मित्रों, थर्मोसाइफन रिबॉयलर को समझने के पहले हम लोगों को थर्मोसाइफन इफेक्ट को समझना पड़ेगा। साइफन इफेक्ट क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो साइफन इफेक्ट, जब किसी लिक्विड या गैस का प्रवाह लगातार अपने आप होता रहता है, अर्थात बाहर से किसी पंप से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस प्रक्रिया को साइफन इफेक्ट कहते हैं। चित्र में देखें, ऊपर वाले बर्तन से नीचे वाले बर्तन में अपने आप लिक्विड आ रहा है, कोई पंप नहीं लगाया गया है। इसको एक बार शुरू में सक किया गया है और लिक्विड लगातार गिर रहा है। यहाँ पर साइफन ग्रेविटी के कारण उत्पन्न होता है। मित्रों, हम लोग अपने दिनचर्या में देखते हैं कि किसी गैलन से ऑयल निकालना हो या पानी निकालना हो तो उसमें एक पाइप लगा देते हैं प्लास्टिक का और मुंह से खींचते हैं, खींच कर छोड़ देते हैं तो वह लिक्विड हमेशा गिरने लगता है। यही साइफन इफेक्ट कहलाता है। तो यह ग्रेविटी के कारण होता है, लेकिन जब गर्मी थर्मो के कारण साइफन उत्पन्न होता है तो उसे थर्मोसाइफन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर थर्मोसाइफन रिबॉयलर के केस में रिबॉयलर के बॉटम साइड में लिक्विड जो मोर डेंसिटी वाला है इंटर करता है और रिबॉयलर के टॉप आउटलेट से वेपर जो कम डेंसिटी वाला है बाहर निकलता है
अर्थात जितना वेपर गर्मी के कारण बाहर निकलता है उतना ही मात्रा में लिक्विड नीचे से अपने आप रिबॉयलर में आ जाता है। इसमें किसी पंप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए साइफन रिबॉयलर अर्थात थर्मोसाइफन रिबॉयलर केटल टाइप रिबॉयलर से सस्ता होता है। अब हम लोग केटल टाइप रिबॉयलर के बारे में जानकारी लेंगे। तो मित्रों, केटल टाइप रिबॉयलर अधिकतर डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम साइड के पास अटैच होता है, क्योंकि कॉलम के बॉटम लिक्विड को रिबॉयल करना होता है। केटल टाइप रिबॉयलर के सेल साइड में कॉलम के लिक्विड को भेजा जाता है तथा केटल टाइप रिबॉयलर के ट्यूब साइड में स्टीम भेजा जाता है। यही स्टीम लिक्विड को गर्म कर वेपर बनाता है, जो सेल साइड में लिक्विड होता है। तो यह वेपर रिबॉयलर के आउटलेट से निकलकर पुनः कॉलम में फिर से कॉलम में प्रवेश करता है, जहां इसका डिस्टिलेशन प्रक्रिया पुनः शुरू होती है। हमें याद रखना चाहिए कि केटल टाइप रिबॉयलर के आउटलेट से निकलने वाला वेपर सिंगल फेज का होता है, अर्थात इसमें केवल और केवल वेपर ही होता है। जबकि थर्मोसाइफन रिबॉयलर के आउटलेट से निकलने वाला वेपर के साथ कुछ मात्रा में लिक्विड भी मिला रहता है। मित्रों, रिबॉयलर में जो लिक्विड वेपर नहीं बन पाता है उसको बॉटम प्रोडक्ट के रूप में बाहर कलेक्ट कर लिया जाता है। केटल टाइप रिबॉयलर के चित्र को ध्यान से देखने पर हमें एक बेफल प्लेट दिखाई पड़ेगा। तो भाई, इस बेफल प्लेट का इसमें क्या काम है? यह बेफल प्लेट का हाइट आप देखेंगे तो केटल टाइप हीट एक्सचेंजर के ट्यूब बंडल के हाइट से थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि ट्यूब बंडल लिक्विड में ठीक से डूबा रहे, जिससे हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो सके। और जो लिक्विड वेपर नहीं बन पाता है वह बेफल प्लेट के दूसरी तरफ चला जाता है, जिसे बॉटम प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इंटरव्यू में यह सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है कि केटल टाइप रिबॉयलर में जो वेफल लगा होता है उसका काम बताएं। तो इसको याद रखना पड़ेगा कि यह लिक्विड लेवल को ऐसे मेंटेन करता है सेल साइड में कि ट्यूब बंडल हमेशा उसमें पूरी तरह डूबा रहे, ताकि हीट ट्रांसफ़र आसानी से हो सके और जो लिक्विड वेपर नहीं बनता है वह बेफल के दूसरे साइड में आता है, जिसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट के बॉटम प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, हम लोगों ने रिबॉयलर के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिबॉयलर क्या है? इसका जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। यह कितने प्रकार का होता है? व्हाट इज यूज ऑफ रिबॉयलर? व्हाट इज केटल टाइप रिबॉयलर? व्हाट इज थर्मोसाइफन इफेक्ट? व्हाट इज थर्मोसाइफन रिबॉयलर? किस रिबॉयलर में पंप यूज नहीं होता है? विच रिबॉयलर केमिकली चीप? तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, और आप आसानी से इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।